हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। कंपाइलर डिजाइन इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे रिक्वेस्ट आई कि भाई इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करके इसके ऊपर थोड़े से वीडियो बना दो। तो चलो अभी वो कंपाइलर डिजाइन की सीरीज शुरू करते हैं। और ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन सा वीडियो है जहां पे आपको एक मैं ब्रीफ में आइडिया दे दूंगा कि भैया कंपाइलर की जरूरत क्या होती है, वो व्हाट इज द नीड ऑफ कंपाइलर, व्हाट कंपाइलर डू, ओके व्हाट इज अ कंपाइलर, और बेसिकली कंपाइलर डिजाइन का आर्किटेक्चर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, सो पहले तो आ जाते हैं कंपाइलर की जरूरत क्या पड़ी, व्हाट कंपाइलर डू एक्चुअली। ठीक है, तो रिमेंबर हमारा जो पूरा काम करता है वो करता कौन है, मशीन करता है। और उस मशीन से काम करवाने वाला होता है प्रोग्रामर, यानी कि हम लोग। ठीक है, तो अभी जो काम करने वाला बंदा है वो है मशीन, बराबर। अब मशीन कौन सी लैंग्वेज समझता है, वो समझता है मशीन कोड को, यानी कि आपकी जो जीरोज एंड वंस, बाइनरी लैंग्वेज होती है सिर्फ जीरोज एंड वंस, तो मशीन जो है वो जीरोज एंड वंस की लैंग्वेज समझता है। तो अगर हम लोग ऐसा अज्यूम करें कि भाई अगर वो जीरो एंड वन की लैंग्वेज समझ रहा है, तो चलो हम लोग जो कोड अपना लिखते हैं, जो प्रोग्राम हम लोग अपना लिखते हैं, वो भी मशीन कोड में लिखे, मतलब जीरोज एंड वंस, जीरोज एंड वंस में लिखे। तो अगर एक प्रोग्रामर ऐसा अप्रोच लेके चलता है कि हम लोग जीरोस एंड वंस में प्रोग्राम लिखते हैं, तो इट इज गोइंग टू बी ट्रिमेंडसली डिफिकल्ट जॉब। यस, इट्स गोइंग टू बी ट्रिमेंडसली डिफिकल्ट जॉब, बिकॉज ये जो आपके जीरोस एंड वंस में जो आपका कोड होगा, ये एक तरीके से मशीन फ्रेंडली है लेकिन प्रोग्रामर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब एक प्रोग्रामर के लिए वंस एंड जीरोस में कोड लिखना, जो कि ऑब्वियसली फिर उसमें हम लोग डायरेक्टली वो मशीन अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, डायरेक्टली मशीन फ्रेंडली हो जाएगा, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है डायरेक्टली जीरोस एंड वंस में किसी एक प्रोग्राम को लिखना। इसलिए हमने क्या किया, एक दूसरा अप्रोच लिया। दूसरा अप्रोच कौन सा लिया कि भाई जीरोस एंड वंस को हटाओ, ये बड़ा डिफिकल्ट जॉब है, ये नहीं हो रहा। इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे नेचुरल लैंग्वेज से मिलती जुलती प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनको हमने अडॉप्ट करना शुरू किया। सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये क्या है, इनके जो शब्द हैं थोड़े बहुत नेचुरल लैंग्वेजेस से मिलते जुलते हैं, तो हमने इनको अडॉप्ट किया और इनमें हमने क्या लिखा, अपना प्रोग्राम लिखा, अपना काम लिखा जो कि हम मशीन से करवाना चाहते हैं। तो एक प्रोग्राम इज नथिंग बट अ वर्क जो कि हम लोग एक मशीन से करवाना चाहते हैं, तो हमने उसमें वो लिखा। अब वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने जो वो लिखा है, जो काम लिखा है, दैट इज नथिंग बट अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक तरीके से हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने क्या लिखा, अपना वर्क लिखा है। एंड दिस हाई लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल कोड इज एक्चुअली प्रोग्रामर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली, बट नॉट मशीन फ्रेंडली। मतलब मशीन को इसमें से कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई ये क्या लिखा है, हाई लेवल लैंग्वेज में ये कौन सा कोड लिखा है, ये कहना क्या चाहता है, ये कौन सा काम मुझसे करवाना चाहता है, मशीन कुछ भी नहीं समझेगा। सो एक्चुअली ये जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज कोड है, ये मशीन फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है, मशीन बिल्कुल समझ नहीं पाएगा, लेकिन ये प्रोग्रामर फ्रेंडली है। तो अभी ये जो दूरी है प्रोग्रामर और मशीन की, इसको घटाता कौन है, ये जो हम काम करवाना चाहते हैं बाय यूजिंग द हाई लेवल लैंग्वेज, ये करवाएगा कौन, ये काम का मीनिंग पहुंचाएगा कौन हमारे मशीन तक, इट इज कंपाइलर। कंपाइलर सिंपली करता क्या है, इट सिंपली ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज, इट सिंपली ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। यही उसका काम है और यही उसकी जरूरत थी, इसलिए हम लोगों को कंपाइलर को एक्शन में लाना पड़ा, इंप्लीमेंटेशन में लाना पड़ा। तो कंपाइलर क्या करता है, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, कि भैया जो काम करवाना चाहते हैं उस काम का मीनिंग बिल्कुल भी चेंज ना होते हुए, इस हाई लेवल को सिर्फ हमने मशीन कोड में कन्वर्ट करना, और ये काम करता है कंपाइलर डिजाइन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो ये था बेसिक ओवरव्यू ऑफ भैया कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर यू नो जरूरत क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ कंपाइलर। अभी बेसिकली ये जो हमारा कंपाइलर का डिजाइन है, उसका जो आर्किटेक्चर है, उसको हम लोग अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये जो आर्किटेक्चर है, ये दो मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक बोलेंगे हम लोग फ्रंट एंड और एक बोलेंगे हम लोग बैक एंड। ठीक है, अभी फ्रंट एंड में बेसिकली एनालिसिस होता है, फ्रंट एंड में बेसिकली क्या होता है, एनालिसिस। अब ये जो एनालिसिस हम लोग परफॉर्म करते हैं यहां पे इन द फ्रंट एंड, इसको हम लोग इनपुट देते हैं एज अ सोर्स कोड। मतलब जैसे मैंने बताया, आपका जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपने कोड लिखा है, दैट इज नथिंग बट योर सोर्स कोड, वो आप देते हो एज अ इनपुट फॉर द एनालिसिस। ठीक है, अब ये एनालिसिस के बाद जो हमारा आउटपुट होता है, एक तरीके से जो फ्रंट एंड का जो हमारा आउटपुट होता है, इट इज नथिंग बट इंटरमीडिएट कोड प्लस सिंबल टेबल। अब ये सिंबल टेबल क्या है, ये अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, जहां पे हम लोग कंपाइलर से जुड़े हुए जितने भी फेजेस हैं उनके बारे में जब हम बात करेंगे, तब मैं आपको सिंबल टेबल बढ़िया तरीके से बताता हूं। तो यहां पे इतना याद रखिए कि फ्रंट एंड का जो इनपुट हम लोग देते हैं फ्रंट एंड को, इट्स नथिंग बट योर सोर्स कोड, एंड जो जनरेट होता है एज आउटपुट, इट इज इंटरमीडिएट कोड प्लस सिंबल टेबल। अभी कंपाइलर के कई सारे जो फेजेस हैं आपके फ्रंट एंड में आते हैं, कौन कौन से फेजेस कंपाइलर के आपके फ्रंट एंड में आते हैं, इट इज नथिंग बट लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस एंड इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। तो दीज आर नथिंग बट सम ऑफ द फेजेस ऑफ कंपाइलर जो कि आपके फ्रंट एंड में आते हैं, बराबर, जो कि आपके क्या आते हैं, फ्रंट एंड में आते हैं। तो ये सारे के सारे मिलके आपका जो एनालिसिस है आपके सोर्स कोड के ऊपर, वो कैरी आउट करते हैं। एंड फाइनली जो आप लास्ट देख सकते हो, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ये क्या करता है,
इट जनरेट्स द इंटरमीडिएट कोड एज आउटपुट फॉर द फ्रंट एंड, एज आउटपुट फॉर द फ्रंट एंड. तो इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो गया. अब बेसिकली इस इंटरमीडिएट कोड की खासियत कैसी, यहां तक जो भी आपने पार्ट देखा ना, ये मशीन इंडिपेंडेंट है, ये आप किसी भी मशीन पे कर सकते हो. और ये जो इंटरमीडिएट कोड है इसको आप उठा के किसी भी प्लेटफॉर्म है, फिर किसी भी मशीन के ऊपर जाके आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो. तो यहां पे मशीन मैटर नहीं करता, लेकिन इससे आगे कौन सा मशीन है वो मैटर करता है, या फिर मशीन डिपेंडेंट है. इट्स नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज मशीन डिपेंडेंट. द नेक्स्ट पार्ट बैक एंड इज टिपिकली मशीन डिपेंडेंट. ये आपका जो मशीन है, कौन सा मशीन है, उसको टारगेट करता है, और उस टारगेट के हिसाब से आपका जो पर्टिकुलर कोड है उसको जनरेट करने की कोशिश करता है आपका बैकएंड. ठीक है, तो अभी बैकएंड में बेसिकली क्या होता है, सिंथेसिस होता है. मतलब जो आपने एनालाइज किया अभी तक अपने सोर्स कोड को, उसको फाइनली सिंथेसाइज करने की बारी आ गई है इनटू द टारगेट मशीन कोड. अभी सिंथेसाइज में क्या होता है, आप फाइनली इनपुट देते हो जो इंटरमीडिएट कोड और सिंबल टेबल जनरेट किया था, इन दोनों को यूज करके सिंथेसाइज में क्या होता है, यानी कि बैकएंड फेज में क्या होता है, इसको वो इनपुट लेता है एंड फाइनली आपका मशीन कोड जनरेट होता है. अब यहां पे बैकएंड में दो फेजेस आपके कंपाइलर के इन्वॉल्व्ड है जो कि बच गए थे. एक था कोड ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेटर, दैट इज टारगेट कोड जनरेटर. आप कह सकते हो कि भैया यू आर मेकिंग अ मशीन एज अ टारगेट, और उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर टारगेट के हिसाब से आप उस कोड को जनरेट करने वाले हो जो कि वो मशीन समझ सके. तो फाइनली आपका जो कंपाइलर डिजाइन है वो ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फ्रंट एंड और बैक एंड. और फ्रंट एंड में कुछ आपके पर्टिकुलरली कुछ जो है कंपाइलर के फेजेस इन्वॉल्व है जो कि यहाँ पे मेंशन है, और बैक एंड में जो बचे हुए दो आपके फेजेस थे कंपाइलर के वो यहाँ पे इन्वॉल्व है. आई होप दोस्तों आपको एक बेसिक ओवरव्यू, एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि भाई किस तरीके से कंपाइलर का आर्किटेक्चर बना हुआ है, उसका काम क्या है, उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व है, उसका फ्लो क्या है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और बेसिकली कंपाइलर का काम क्या होता है, उसकी जरूरत क्या है, वो भी समझ में आ गया होगा. अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आ गया है, इस वीडियो ने थोड़ी सी भी आपकी मदद कर दी होगी, 1% भी अगर इस वीडियो ने आपकी मदद कर दी होगी, तो उस मदद को आप प्रोपेगेट कर सकते हो, मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हो. थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.